नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ। और गाइस, जैसे कि हर साल हम एक लिस्ट बनाते हैं साल के टॉप 5 डिओड्रेंट्स के बारे में, तो इस साल भी हमने वो लिस्ट बरकरार रखते हुए आज इस साल भी हम 2022 का बेस्ट डिओड्रेंट का लिस्ट आपके लिए लाए हैं। तो इस साल जो कुछ नए डिओड्रेंट्स निकले हैं, जो नए नए डिओड्रेंट्स मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सारे लिए हैं, उसमें से जिससे मुझे अच्छा रिस्पांस आया है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, और प्लस थोड़े डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के भी हिसाब से मैंने ये लिस्ट आप लोगों के लिए बनाया है। आप अपने बजट के हिसाब से, स्मेल चॉइस के हिसाब से कोई भी डिओड्रेंट इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं गाइस। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा गाइस। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर आप देखना पसंद करते हैं डिओड्रेंट्स के बारे में, फ्रेग्रेंसेस के बारे में, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, ये लिस्ट शुरू करते हैं। नंबर 5 पे मैंने रखा है सेटवेट की तरफ से कूल अवतार। एक बहुत ही बेहतरीन डियो सेटवेट वालों ने निकाला है इस सीरीज़ में। कूल अवतार हो गया, स्वैग अवतार हो गया, चार्म अवतार हो गया, इससे बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस मुझे लोगों से भी मिला है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा है इसके साथ। एक बहुत ही अच्छा लास्टिंग देने वाला फ्रेश कैटेगरी का डिओड्रेंट हमको कूल अवतार मिल जाता है गर्मियों के सीज़न में, प्लस मॉर्निंग टाइम के लिए। हर सीज़न में ही मॉर्निंग टाइम के लिए काफ़ी अच्छा ये पड़ता है, फ्रेश रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। लास्टिंग हमको फ्रेश कैटेगरी के डिओड्रेंट से कम मिलती है, उस हिसाब से कूल अवतार काफ़ी अच्छा है क्योंकि इससे हमको लास्टिंग भी अच्छी खासी मिल जाती है। कूल अवतार के अलावा गाइस, मैंने एक दूसरा ऑप्शन नंबर 5 में आप लोगों के लिए रखा है जो कि फ्रेश कैटेगरी से अलग कुछ देख रहे हैं, उनके लिए मैंने एंगेज की तरफ से ओशन जेस्ट रखा है। एक इसमें पाइनएप्पल का नोट है, स्वीट एसेंस हमको इसमें आ जाता है, माइल्ड वुडीनेस हमको इसमें देखने मिल जाता है। तो ओशन जेस्ट जो है ये एक स्वीट कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है, इसलिए ओशन जेस्ट से भी हमको लास्टिंग अच्छी खासी मिल जाती है। तो एक फ्रेश कैटेगरी का डिओड्रेंट हो गया और ओशन जेस्ट जो है ये एक स्वीट कैटेगरी का फ्रेग्रेंस हो गया। सेटवेट कूल अवतार जो है ये हमको करीब 110 से लेके 120 में पड़ जाता है। जनरली 200 रुपये में हमको दो मिल जाते हैं सेटवेट कूल अवतार, और एंगेज ओशन जेस जो है ये हमको 150 रुपीज़ का 150 रुपये का पड़ता है। दोनों की ही क्वांटिटी 150 ml हमको मिल जाती है। तो गाइज आ जाते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे मैंने रखा है निविया की तरफ से डीप इम्पैक्ट। काफ़ी बेहतरीन निविया वालों ने ये डिओड्रेंट निकाला है। निविया के हर एक डिओड्रेंट जो होते हैं वो प्रीवियस से कुछ अच्छा ही करके जाते हैं। निविया के कैटेगरी के डिओड्रेंट्स का एक अलग फैन बेस है, और निविया के डिओड्रेंट से लोग उतना ज़्यादा प्रोजेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, उतना हाई प्रोजेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करते, मगर इनका जो स्मेल होता है, इनका जो फ्रेशनेस होता है, मेन इनकी खासियत ये होती है कि ये डिओडराइजर है प्लस एंटी परस्पिरेंट है, पसीने को काउंटर करने के लिए निविया डीप इम्पैक्ट प्लस निविया के जो दूसरे भी डिओड्रेंट्स होते हैं वो काफ़ी बढ़िया काम करते हैं पसीने को काउंटर करने में, डीओडराइज करने में और पसीने के स्मेल को काउंटर करने में। उस हिसाब से निविया का जो डीप इम्पैक्ट है काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा डिओड्रेंट है। तो नंबर 4 पे निविया का डीप इम्पैक्ट मैंने रखा है। और पार्क एवेन्यू वालों की तरफ से एक बहुत ही अच्छा डिओड्रेंट है जो कि पार्क एवेन्यू एपिक है। पार्क एवेन्यू एपिक जो है ये एक नो गैस डिओड्रेंट है, और निविया डीप इम्पैक्ट जो है ये गैस वाला डिओड्रेंट है। दोनों ही काफ़ी बेहतरीन डिओड्रेंट है, अच्छी खासी हमको लास्टिंग दे देते हैं। निविया डीप इम्पैक्ट जो है ये हमको करीब 210 रुपये के आसपास मिल जाता है, और पार्क एवेन्यू का एपिक जो है हमको 169-170 रुपीज़ में ये ऑनलाइन मिल जाता है। तो गाइस, स्मेल के बारे में अगर हम बात करें तो डीप इम्पैक्ट जो है इसमें ओपनिंग में फ्रेशनेस मिलता है, फ्रेशनेस पूरे ही फ्रेग्रेंस में रहता है। जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में जाता है एक हमको पाउडरी और एक वुडी एसेंस आने लगता है, बहुत ही बेहतरीन एंटी परस्पिरेंट हमको डीप इम्पैक्ट में मिल जाता है, काम जो है वो काफ़ी अच्छा करता है। पार्क एवेन्यू एपिक जो है ये एक फ्रेश कैटेगरी का है, मगर थोड़ा लेमनिश फ्रेश टाइप का है, फ्रेश में कैजुअल वेयर के लिए ये काफ़ी अच्छा है, नो गैस वाला है इसीलिए काफ़ी दिनों तक चलता है, लास्टिंग दोनों से ही हमको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो पार्क एवेन्यू एपिक जो है ये कैजुअल वेयर हो जाता है, और डीप इम्पैक्ट जो है ये ज़्यादा फॉर्मल वेयर अच्छा पड़ेगा और जिम के लिए काफ़ी अच्छा यूज़ रहेगा।
नंबर 3 पे मैंने रखा है द मैन कंपनी की तरफ से रूज। तो गाइस द मैन कंपनी का रूज जो है काफ़ी अच्छा एक फ्रेगरेंस है, लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्रेगरेंस है। थोड़ा सा हायर बजट वाले डिओड्रेंट्स में इसकी कैटेगरी आ जाती है 260-270 रुपीज़ के आसपास, कभी कभी डिस्काउंट चले तो 250 रुपये के आसपास मिल जाता है। मगर एक हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला डिओड्रेंट हमको मिल जाता है, लास्टिंग अच्छी खासी मिल जाती है, नो गैस वाला है इसीलिए काफ़ी दिनों तक चलता है। तो ये रूज जो है एक स्ट्रॉन्ग वुडी किस्म का फ्रेगरेंस है, हल्का फुल्का इसमें हमको अगर वुड जैसे नोट्स का एसेंस मिल जाता है जिसमें कि ऊद होता है। ज़्यादातर हमको इसमें धूप की खुशबू मिलती है, अगरबत्ती जैसी कुछ धूप होते हैं वैसी खुशबू मिलती है, वुडी एसेंस हमको इसमें मिल जाता है। तो द मैन कंपनी का रूज एक अच्छी क्वालिटी का लॉन्ग लास्टिंग किस्म का हमको डिओड्रेंट मिल जाता है। अगर आप द मैन कंपनी की ही तरफ से कुछ दूसरा ट्राई करना चाहते हैं और एक क्लोन देखना चाहते हैं तो द मैन कंपनी का ब्लॉन्क जो है ये एक काफ़ी बढ़िया डिओड्रेंट हमको मिल जाता है। रूज जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का है, तो अगर आप थोड़ा सा माइल्ड किस्म का देखना चाहते हैं, फ्रेश कैटेगरी का देखना चाहते हैं, तो द मैन कंपनी का ब्लॉन्क जो है ये काफ़ी अच्छा चॉइस हो जाता है। गाइस द मैन कंपनी ब्लॉन्क जो है ये डेविड ऑफ कूल वाटर का एक बहुत ही बेहतरीन क्लोन है, मैंने इस बारे में पहले भी वीडियो बनाया है। तो एक अच्छा हमको क्लोन मिल जाता है, डेविड ऑफ कूल वाटर का बॉटल कुछ इस तरह से दिखता है, उसका हमको द मैन कंपनी की तरफ से एक अच्छा क्लोन मिल जाता है। तो गाइज नंबर 3 पे द मैन कंपनी का रूज है, और अगर आप एक अच्छा क्लोन देखना चाहते हैं तो द मैन कंपनी का ब्लॉन्क है। तो गाइज ये दोनों ही डिओड्रेंट हमको 260 से लेके 270 में जनरली ऑनलाइन मिल जाता है, अगर कुछ ऑफर चलते रहा तो करीब 250 में भी हमको मिल जाते हैं। आ जाते हैं हमारे नंबर 2 डिओड्रेंट पे गाइज। तो नंबर 2 पे मैंने रखा है पार्क एवेन्यू की तरफ से गुड मॉर्निंग। पार्क एवेन्यू का गुड मॉर्निंग जो है इस डिओड्रेंट के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस डिओड्रेंट को पसंद किया है। एक गुड मॉर्निंग इसका नाम है, फ्रेश कैटेगरी का माना जा सकता है, मगर इसमें बहुत ही बेहतरीन स्वीट वाइब हमको मिल जाता है। इसका जो स्वीटनेस है वो फ्लावरी स्वीटनेस हमको मिल जाता है, जिसकी वजह से इसका जो नाम है गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग का जो फ्रेशनेस है वो हमको पार्क एवेन्यू गुड मॉर्निंग में मिल जाता है। फ्रेशनेस के साथ स्वीटनेस होने की वजह से लास्टिंग हमको पार्क एवेन्यू गुड मॉर्निंग से काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। तो नंबर 2 पे हमने रखा है पार्क एवेन्यू का गुड मॉर्निंग, और एक स्पाइसी कैटेगरी का भी मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शन रखा है जो कि है लेयर शॉट की तरफ से फायरी प्राइड। लेयर शॉट फायरी प्राइड एक सेकेंड ऑप्शन मैंने आपके लिए रखा है, एक फ्रेश कैटेगरी का हो जाता है फ्रेश एंड स्वीट, और दूसरा स्पाइसी कैटेगरी का हो जाता है। प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो पार्क एवेन्यू गुड मॉर्निंग हमको 180 रुपये का पड़ता है, और लेयर शॉट का फायरी प्राइड जो है ये हमको करीब 200 से लेके 220 रुपये में पड़ जाता है। ये वाला जो है ये एक बॉडी स्प्रे है, मगर एक स्पाइसी कैटेगरी का है, थोड़ा सा हमको इसमें स्ट्रॉन्ग वुडी एसेंस भी मिल जाता है, लास्टिंग अच्छी खासी मिल जाती है एक बॉडी स्प्रे के हिसाब से। तो गाइस आ जाते हैं हमारे नंबर 1 चॉइस पे। तो नंबर 1 पे जो मैंने रखा है वो डिओड्रेंट जो है वो सिर्फ 2022 के हिसाब से नहीं रखा है, एक ऑल टाइम वेयर, एक ऑल टाइम चॉइस के हिसाब से मैंने रखा है, जो कि हर साल में ही किसी भी साल में ये काफ़ी बढ़िया डिओड्रेंट माना जाएगा, उस हिसाब से मैंने रखा है। हर किसी को ही ये डिओड्रेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, सभी के स्मेल कैटेगरी में एक ऐसा डिओड्रेंट है जो सबको ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो एक वर्सटाइल डिओड्रेंट है, और मैंने 2 डिओड्रेंट इसमें रखे हैं, एक जो है ये एक डिज़ाइनर डिओड्रेंट हो जाता है, अगर आप थोड़ा बजट ज़्यादा में लेना चाहते हैं तो एक डिज़ाइनर डिओड्रेंट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, और एक मैंने हमारे नॉर्मल बजट में एक बजट कैटेगरी में डिओड्रेंट रखा है। तो जो डिज़ाइनर डिओड्रेंट मैंने रखा है वो है कैरोलिना हरेरा का 212 NYC। ये डिओड्रेंट जो है इसी साल मैंने लिया है, और पहले जो है 212 का सिर्फ परफ्यूम आता था, अब 212 NYC का डिओड्रेंट भी आता है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है। इस डिओड्रेंट का प्राइस जो है वो थोड़ा सा हायर एंड में है, करीब 2000 रुपये में ये हमको ऑनलाइन मिल जाता है। अब मैं डिओड्रेंट का बॉटल आपको ज़रा दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से 212 NYC का बॉटल दिखता है, एक बहुत ही यूनिक स्मेलिंग मास अपीलिंग डिओड्रेंट हम इसको बोल सकते हैं, काफ़ी यूनिक इसका स्मेल है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और बहुत ही ज़्यादा मास अपीलिंग इसको हम बोल सकते हैं। तो 212 NYC का जो डिओड्रेंट है ये नंबर 1 पे हमने रखा है, और बजट कैटेगरी में गाइस वाइल्डस्टोन कोर की तरफ से जो स्टील है जो कि
जॉर्जियो अरमानी एक्वा डी जियो प्रोफूमो का क्लोन है, उसको मैंने नंबर वन पे ऑल टाइम वर्सेटाइल डिओड्रेंट के हिसाब से रखा है, क्योंकि ये जो डिओड्रेंट है ये हर साल ही काफी ज्यादा वर्सेटाइल हो जाता है और 2022 के भी हिसाब से काफी बढ़िया ये डिओड्रेंट पड़ जाता है। तो गाइस स्मेल के बारे में अगर हम बात करें तो 212 NYC का जो डिओड्रेंट है ये एक फ्रेश, काफी ज्यादा फ्रेश एम्बरी डिओड्रेंट है, मगर थोड़ा सा ड्राई डाउन में हमको पाउडरीनेस मिलता है, यूनिक स्मेल है, काफी यूनिक स्मेल कैटेगरी का हमको मिल जाता है और काफी पसंदीदा डिओड्रेंट है। और वाइल्डस्टोन कोर स्टील के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक फ्रेश कैटेगरी का मगर एक पाउडरी डिओड्रेंट हमको मिल जाता है, काफी ज्यादा प्लेजेंट स्मेलिंग अगर मैं बोलूँ तो वाइल्डस्टोन कोर स्टील इसको माना जाता है, बहुत ज्यादा प्लेजेंट स्मेलिंग है। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि कुछ इस किस्म का डिओड्रेंट बताइए जो लास्ट लॉन्ग करे मगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड या हेडेक देने वाला ना हो, तो मैं ये कहूँगा कि वाइल्डस्टोन कोर स्टील जो है अच्छी खासी लास्टिंग दे देता है मगर उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया हमको डिओड्रेंट मिल जाता है। प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो MRP जो है इसकी 250 rupees की है, मगर ऑनलाइन चेक करने पर हमको करीब 200 से लेके 210 rupees में वाइल्डस्टोन कोर स्टील जो है ये मिल जाता है। तो गाइस ये आज का लिस्ट जो था ये 2022 के बेस्ट डिओड्रेंट के बारे में था। बहुत सारे इस साल मैंने डिओड्रेंट्स लिए हैं मगर उनमें से मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आए, लोगों से जो मुझे रिस्पांस मिला उस हिसाब से आज का ये लिस्ट हमने बनाया है। तो 2022 के बेस्ट डिओड्रेंट का लिस्ट, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। गाइस फ्रेग्रेंस से रिलेटेड ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।